मैं सुरेंद्र सिंह, आज इस वीडियो में आपको शनाइडर इलेक्ट्रिक मेक एसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को कंट्रोल टर्मिनल से टू वायर और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कमांड कैसे देते हैं उसके बारे जानकारी दूंगा। ये जो मेरे पास है शनाइडर इलेक्ट्रिक की एसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, इसका जो मॉडल है ATV312H075N4 है। तो इसके ऊपर जो फ्रंट पैनल है उसके बारे अभी बताता हूँ आपको। ये जो इसकी डिस्प्ले है वो 4-digit 7-segment की डिजिटल डिस्प्ले है। ये जो मोड की है, ये जो नेविगेशन की है, इससे जो है हम लोग जो है प्रोग्राम में एंटर भी करते हैं और इसको सेव करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये एग्ज़िट होने के लिए की है, ये स्टॉप कम रीसेट करने के लिए की है, तो और ये रन की है। तो अभी हम लोग जो है, अभी मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर किया हुआ है कि टू वायर कंट्रोल और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कमांड के लिए पोटेंशियोमीटर लगाना हो तो कौन कौन से पैरामीटर जो फीड करते हैं उसके बारे सबसे पहले बताता हूँ। ये जो मेरे पास ड्राइव है ATV312 AC ड्राइव है, इसके जो ग्रुप IO में सबसे पहले हम लोग जाएंगे, उसमें जाने के बाद TCC में जाएंगे। TCC में जाने के बाद 2C की सिलेक्शन करेंगे और जो नेविगेशन की से उसको प्रेस करके जो है सेव करेंगे। तो पहले हम लोग जो है ड्राइव पे चलते हैं। ये ड्राइव को मेन सप्लाई देने के लिए हमने ट्रिपल पोल का MCB लगाया हुआ है। ये MCB की जो आउटपुट है, ये ड्राइव के जो टर्मिनल है L1, L2 और L3 के ऊपर 415 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट किया हुआ है और जो आउटपुट के ऊपर ये UB टर्मिनल के ऊपर हमने ये 3-phase इंडक्शन मोटर लगाया हुआ है और इसके जो कंट्रोल टर्मिनल के ऊपर हमने ये पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ और ये टू वायर कंट्रोल के लिए जो सेलेक्टर स्विच के थ्रू NO एलिमेंट लगाया हुआ है। इसके अभी मैं पावर ऑन करूँगा प्रोग्रामिंग करने के लिए। ये देखिए अभी पावर ऑन करेंगे, MCB उठाऊँगा। ये देखिए अभी पावर ऑन हो गई है। ये रोटरी पोटेंशियो जो नेविगेशन की को प्रेस करूँगा, तो देखिए रेफरेंस ग्रुप में चल गए। हमारे को जो है IO ग्रुप में जाना है। ये देखिए IO ग्रुप में चले गए थे रोटेट करके। ये IO ग्रुप में जाने के बाद TCC में जाएंगे। TCC में जाकर 2C जो सिलेक्शन करेंगे। अभी नेविगेशन की को प्रेस करेंगे और TCC में चले गए। अभी TCC में जाने के बाद फिर प्रेस करेंगे ये 2C में। यदि आप चेंज करना चाहते तो चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग 2C में करेंगे तो इसलिए इसको फिर प्रेस करेंगे 3 सेकंड के लिए। जैसे ही ब्लिंक हो गया तो इसका मतलब ये सेव हो गया। तो एग्जिट होने के लिए इसको एस्केप की को प्रेस करेंगे। अभी TCC में अभी देखते हैं नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा है जो टर्मिनल के ऊपर कनेक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड है। ये देखिए IO ग्रुप का ही TCT में जाएंगे और TRN जो सिलेक्शन करेंगे। अभी हम लोग जो है रोटेट करेंगे जो नेविगेशन की को और TCT में जाएंगे और को नेविगेशन की को प्रेस करेंगे। ये PAFO में है। अभी इसकी जो सिलेक्शन है हम लोग जो है TRN में करेंगे। TRN में सिलेक्शन करने के बाद जो है इसको नेविगेशन की को 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। जैसे ब्लिंक हो गया तो इसका मतलब ये सेव हो गया। तो एग्जिट होने के लिए जैसे एस्केप की प्रेस करेंगे और मेन डिस्प्ले पे आ जाएंगे। अभी हम लोग जो है टर्मिनल कनेक्शन कैसे किए हुए टू वायर के लिए वो मैं आपको ड्राइविंग में दिखाता हूँ। ये ड्राइव के ऊपर 3 नंबर ऑफ टर्मिनल 24 वोल्ट LI1 और LIX। तो पहले हम लोग जो फॉरवर्ड कमांड के लिए ये सिलेक्टर स्विच लगाएंगे। देखिए फॉर ये 24 वोल्ट जो है NO एलिमेंट की एक साइड जाएगी, फिर NO एलिमेंट की आउटपुट जो है LI1 के ऊपर जाएगी। अभी इसके अकॉर्डिंग तो हम लोगों ने वायरिंग किया, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए फ्रंट पैनल को अभी हम लोग ओपन करेंगे। ये देखिए जो VFD के ऊपर ये टर्मिनल है 24 वोल्ट पॉजिटिव और LI1, इसके बीच हम लोग जो है अभी जो सेलेक्टर स्विच लगाएंगे यानी NO एलिमेंट के थ्रू। ये देखिए जो 24 वोल्ट पॉजिटिव के ऊपर हमने जी ब्राउन कलर वायर लगाई हुई है और ये सेलेक्टर स्विच लगाया हुआ है देखिए। और सेलेक्टर स्विच के पीछे जो NO एलिमेंट है, NO एलिमेंट के 3 नंबर के ऊपर हमने जो वायर लगाया पॉजिटिव 24 वोल्ट और इसकी जो आउटपुट है ब्लू कलर वायर उसको हमने जो LI1 के ऊपर वो कनेक्ट किया हुआ। तो इसी प्रकार हमने जो टू वायर सिलेक्शन के लिए सेलेक्टर स्विच के थ्रू जो वायरिंग की हुई है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पोटेंशियोमीटर के लिए हम लोग कैसे वायरिंग करेंगे।
ये देखिए, ये BFD के ऊपर टर्मिनल है कॉमन, AI1 और 10 बोर्ड, इनके ऊपर हम लोग जो है पॉट लगाएंगे। तो ये पॉट कैसे कनेक्ट करेंगे, एक साइड पे ये देखिए पॉट की ये कॉमन आएगी और एक साइड पे ये 10 बोल्ट आएगी और इसकी जो आउटपुट है AI1 के ऊपर कनेक्ट होगी। ये देखिए इंटरनल के ऊपर कॉमन, AI1 और पॉजिटिव 10 बोल्ट के ऊपर हम लोग जो है पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करेंगे। ये देखिए ये कॉमन पॉइंट है जो BFD के ऊपर, AI1 है और ये पॉजिटिव 10 बोल्ट है, ये कॉमन पॉइंट है जो पोटेंशियोमीटर के हमने जी सेंटर में इसका कॉमन पॉइंट है उसके ऊपर कनेक्ट किया हुआ है। और ये ब्लैक कलर ब्लू कलर वायर जो है इसका जो पॉजिटिव 10 वोल्ट है, ये देखिए ब्लू कलर वायर जो है पॉजिटिव जो है 10 वोल्ट है और इस पोटेंशियोमीटर की जो आउटपुट है ब्लैक कलर वायर है। ये देखिए ब्लैक कलर वायर जो हमने जो सेकंड नंबर टर्मिनल के ऊपर जो AI1 के ऊपर कनेक्ट किया हुआ है, तो इस प्रकार हमारा ये पोटेंशियोमीटर जो है कनेक्ट हो चुका है। तो अभी हम लोग जो है ये देखिए मोटर रन करेंगे। ये देखिए अभी हम लोग ट्रैक्टर से जो मोटर ऑन करेंगे, ये देखिए हमारी जो मोटर ऑन हो गई है। तो अभी हम लोग जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, ये देखिए पोटेंशियोमीटर को क्लॉक वाइज रोटेशन में घुमाएंगे तो जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी और हमारी मोटर जो है उसकी भी स्पीड है बढ़ती जाएगी। ये देखिए अभी ये 10 टर्न का पोटेंशियोमीटर है, तो जैसे ही हम लोग जो इसको क्लॉक वाइज रोटेट करते हैं जो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। ये देखिए, तो यदि हमने इसको ऑफ करना है तो इस सेलेक्टर स्विच से हम जो है इसको ऑफ करेंगे। ऑफ करते ही ये डिस्प्ले भी देखिए, ये देखिए ये ऑफ हो गई है। तो इस प्रकार हम लोग जो है कंट्रोल टर्मिनल के ऊपर 2 वायर वायरिंग और एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर की वायरिंग करके हम लोग है BFD को रन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और इस पर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।